दोस्तों जो आपकी बाइक का कार्बोरेटर होता है अगर वो बार बार ओवरफ्लो होता है तो उससे आप परेशान हो चुके हैं, या आपने उसके अंदर नई नीडल भी चेंज करा ली और उसके बाद भी आपकी बाइक जो है ओवरफ्लो होती रहती है, तो ऐसे में दोस्तों आपका जो पेट्रोल होता है वो काफ़ी वेस्ट हो जाता है और आपकी जो बाइक है वो स्टार्टिंग में भी काफ़ी प्रॉब्लम करती है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम तो कर ही देती है, तो उसके चलते आपका प्लग भी बार बार शॉर्ट होने लगता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा जो आपकी बाइक ओवरफ्लो होती है कैसे हम उसको आसानी से रोक सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप अपनी बाइक के पेट्रोल टैप को बंद कर देते हैं तो आपका कार्बोरेटर ओवरफ्लो नहीं होता, थोड़ा बहुत ही निकलता है, लेकिन जब आप उसके टैप को ऑन करते हैं तो कुछ देर बाद ये पेट्रोल ओवरफ्लो होने लगता है, या फिर आप जब बाइक को साइड स्टैंड पर लगाते हैं तब भी यहाँ से ओवरफ्लो होने लगता है। तो ऐसे में दोस्तों उसके दो तीन रीज़न होते हैं। एक तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला जो रीज़न होता है, यहाँ पर देखिए कचरे के कण आ जाते हैं, उसकी सीट पर बैठ जाते हैं और वो वहाँ से ओवरफ्लो होने लगता है। दूसरा क्या होता है, जो नीडल होती है वो कट जाती है, जिसके चलते यहाँ से ओवरफ्लो होने लगता है। तीसरा रीज़न, जो कार्बोरेटर की सीट होती है अगर वो भी कट जाती है तब भी दोस्तों आपकी बाइक की ओवरफ्लो होने लगती है। तो आज मैं आपको इसकी समस्या का समाधान बताऊंगा, कैसे हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों मेरे पास तीन ट्रिक हैं जो मैं आज आपको इसमें बताने वाला हूं, क्योंकि देखिए ओवरफ्लो की जो प्रॉब्लम आती है वो तकरीबन पुरानी बाइक्स में आती है, या तकरीबन जो इसके अंदर कचरा आ जाता है तब होने लगती है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कैसे अपने आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले मैं इसके कार्बोरेटर को ओपन कर लेते हैं, इसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है बिंदर कौशल और आप देख रहे हैं योर बाइक मैकेनिक। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमने जो है कार्बोरेटर को अच्छे से साफ़ कर लेना है, क्योंकि देखिए कार्बोरेटर को तो हमने ओपन कर ही लिया है, तो हमने जो है इसको लगे हाथ साफ भी कर लेना चाहिए। इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए आपके पास जो माचिस की तिल्ली होती है उसको आपने लेना है, आपने एक या दो तिल्ली लेनी है। तो आपने क्या करना है, जो दोस्तों ये कार्बोरेटर की सीट होती है अंदर जहाँ पर ये नीडल लगी हुई होती है, तो आपने इसको देखिए ऐसे थोड़ा पेट्रोल में गीला करके इसको ऐसे घुमा देना है। आपने जो है इस तिल्ली को 15 से 20 सेकंड तक ऐसे घुमा देना है, ताकि जो सीट हो वहाँ से इसकी अच्छी से सफाई हो जाए। और देखिए अगर आपके पास ये एमरी जो होती है अगर वो है तो वो और भी अच्छी बात है, क्योंकि जो एमरी होती है वो ज़्यादा एकदम से सीट की सफाई कर देती है और जिससे यहाँ पर ये इसका फेस अच्छे से बन जाता है। तो आपका जो पहला ट्रिक होता है दोस्तों ये होता है, आपने एक माचिस की तिल्ली लेनी है, उसको ऐसे घुमा देना है और जैसे यहाँ पर आपको सफाई दिखे तो आपने इसको यहाँ से पेट्रोल से साफ कर लेना है। तो आप देख सकते हैं जो इसकी सीट होती है यहाँ से आपको साफ नज़र आ रही होगी, जो इसकी सीट है वो अच्छे से साफ़ हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जो दोस्तों सीट होती है यहाँ पर ये कुछ कचरे के कण जम जाते हैं, जिसके चलते ये जो नीडल होती है यहाँ पर जब हम इसको फिट करते हैं तो वो कुछ एक साइड से थोड़ी बहुत उठ जाती है, जिसके चलते यहाँ से पेट्रोल का जो ओवरफ्लो होता है वो बार बार होने लगता है। तो अब आपने क्या करना है, देखिए दोस्तों सबसे पहले ट्रिक में तो यही बताया मैंने आपको कि आपने माचिस की तिल्ली लेनी है, इस पर आपने एमरी लगाकर, या आपके पास एमरी ना भी हो तो इसी को आपने 15 से 20 सेकंड तक घुमा देना है, जिससे इसकी सीट साफ हो जाए और उसके बाद आपने इसको फिट कर देना है। देखिए दोस्तों 90% ऐसा होता है कि जब हम इस सीट की यहाँ से सफाई कर देते हैं और जब हम कार्बोरेटर की फिटिंग करते हैं तो यहाँ से ओवरफ्लो की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो कहने का मतलब ओवरफ्लो जो होता है वो यहाँ से रुक जाता है। अगर आपकी बाइक का कार्बोरेटर ज़्यादा पुराना है और आपने ऐसे सफाई कर ली तब भी दोस्तों मान लो जो ओवरफ्लो है वो तब भी हो रहा है, तो आपने क्या करना है, देखिए जैसे कि ये फ्लोट होता है और इसमें ये नीडल होती है, तो यहीं पर जो है दूसरा ट्रिक काम करता है। अब मैं आपको दूसरी ट्रिक की जानकारी देता हूँ। देखिए जैसे कि आपने कार्बोरेटर की सीट को तो अच्छे से साफ़ कर लिया, इसके बाद जो ये फ्लोट होता है आपने क्या करना है, देखिए जो हम ये हेड के बीच में हेड का जो पैकिंग रखते हैं, आपने ये तीन लेयर वाला पैकिंग जो देखते हैं, आपने इसकी एक लेयर को लेना है जो थोड़ी ये नरम होती है, और आपने क्या करना है इसकी, देखिए जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसकी जो है ये पतली वाली जो लेयर होती है इसको यहाँ से कट कर लेना है, और आपने जो है इतना उसको मोड़ना है ताकि जो आप फ्लूट के ऊपर जहाँ ये नीडल लगती है इसके ऊपर जो ये थोड़ी सपोर्ट होती है ताकि वो इसके अंदर आसानी से आ जाए। तो आपने सिर्फ इस पत्ती को उतना ही मोड़ लेना है जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद आपने जो है इसके थोड़ा से सुराख को खोल लेना है, वो इसलिए ताकि जो ऊपर का ये
स्पोर्ट होता है फ्लूट का, ताकि इसमें ये आसानी से आ जाए। अब देखिए दोस्तों, थोड़ी यहाँ पर एक समझने वाली बात है। देखिए जो ये हमने पत्ती बनाई है, यहाँ पर ये एक साइड में तो आपको सिंगल लेयर देखने को मिलेगी और दूसरी साइड में आपको ये डबल लेयर देखने को मिलेगी। तो आपने क्या करना है, आपने सिंगल लेयर को ना नीचे की तरफ कर देना है, जहाँ पर दोस्तों ये नीडल लगती है। याद रखना है, आपने ये सिंगल लेयर को नीचे की तरफ कर देना है, ना कि इसकी डबल लेयर को ऊपर नीचे की ओर करना है। तो आपने यहाँ पर दोस्तों याद रखना है, अगर आप गलती से मान लो इसकी डबल लेयर को नीचे कर देते हैं, तो होता क्या है, जब हम इसमें नीडल लगा देते हैं और कार्बोरेटर को फिट कर देते हैं, तो देखिए दोस्तों, जब हम यहाँ पर ये इसको लगाकर फिट कर देते हैं, तो होता क्या है, जब हम पेट्रोल टैप को ऑन करते हैं, तो जो पेट्रोल होता है वो बहुत ही दोस्तों कम स्पीड में नीचे आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसका लेवल होता है वो अपने लेवल से आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी बाइक स्टार्टिंग में प्रॉब्लम करेगी, ये आपने याद रखना है। तो आपने जो सिंगल लेयर होती है वो आपने नीचे की तरफ ही कर देनी है, और इसके बाद आपने इसको लगाकर कार्बोरेटर को फिट कर देना है। देखिए कार्बोरेटर को फिट करने से पहले मैं आपको दिखा दूं। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पर इस फ्लोट को और नीडल को इसके अंदर फिट कर दिया, और जैसे ही हमने पिन को लगाया, और देखिए जब हम कार्बोरेटर को सीधा करते हैं, तो आप देख सकते हैं जब हम फ्लोट को चेक करते हैं, तो ये दोस्तों अब यहाँ पर ये इसका लेवल बिल्कुल सही है। तो यहाँ कहने का मतलब ये बिल्कुल देखिए सही है, और यहाँ से ये एकदम से जब पेट्रोल नीचे आएगा वो भी स्पीड में आएगा, और जब दोस्तों इसका लेवल अपने आप ऊपर की तरफ जाने लगेगा, तो ये फ्लोट अपने आप बंद हो जाएगा और वाल को दोस्तों ऊपर कर देगा, जिससे ऊपर से जो एक्स्ट्रा पेट्रोल आएगा वो नीचे नहीं आएगा। तो आपने यहाँ पर ये बात याद रखनी है, जो ये पत्ती होती है आपने सिर्फ यहाँ पर सिंगल ही देनी है, ना कि डबल देनी है। दोस्तों ये तो हो गई जुगाड़ वाली बात। अगर आपको कस्टमर बोलता है कि आपने इसके अंदर नई नीडल डाल देनी है, तो आप बेझिझक होकर नई नीडल डाल सकते हैं। ये तो दोस्तों कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए, अगर तो कोई कस्टमर हमारे ऊपर विश्वास करके कहता है कि आपने सिर्फ इसकी ओवरफ्लो को बंद कर देना है, तब तो आप अपने तरीके से बंद करें। अगर आप कस्टमर के मुताबिक काम करते हैं कि आपने इसके अंदर नई नीडल डाल देनी है, तो आप डाल सकते हैं। वो आप दोस्तों अपने तरीके से आप उस काम को कर सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी जानकारी आपको मैं एक वो दे दूँ। देखिए जो दोस्तों ज़्यादातर बंदे क्या करते हैं, जब कार्बोरेटर की फिटिंग करते हैं, तो वो इस नीडल को और फ्लोट को पहले इसके अंदर डाल देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, जो ये दोस्तों इसके अंदर स्लो जेट और मेन जेट होता है, तो वो उसको बाद में टाइट करते हैं। दोस्तों आपने यहाँ पर ये गलती नहीं करनी। तो देखिए, हमें तो एक्सपीरियंस है अपने अपने काम का। तो यहाँ पर होता क्या है, कई बार देखिए दोस्तों, जो आपके पास अनजान बंदे लगे होते हैं, जो आपके पास वर्कर काम करते हैं, तो कई बार जो पेचकस होता है स्क्रू ड्राइवर, वो दोस्तों स्लिप हो जाता है, जिसके चलते ये फ्लूट के अंदर घुस जाता है और इसके अंदर ये सुराख कर देता है। तो यहाँ से दोस्तों ये फ्लूट ख़राब हो जाता है। तो आपने याद रखना है, आपने हमेशा पहले जो है इन दो मेन जेट को ही दोस्तों इसके अंदर फिट करके टाइट कर देना है, उसके बाद दोस्तों आपने फ्लोट को और नीडल को इसके बाद इसमें डालना है। तो आपने यहाँ पर दोस्तों इसको ज़रूर याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों ट्रिक नंबर 4 की। देखिए, जब आप किसी बाइक के कार्बोरेटर को फिट कर देते हैं, और वो तब भी थोड़ा बहुत दोस्तों ओवरफ्लो होने के उसमें कुछ चांसेस रहते हैं, तो आपने क्या करना है, जैसे आपके पास कोई पुरानी बाइक है और आपको पता है कि आपके फ्यूल टैंक के अंदर थोड़े बहुत देखिए जंग के कण रह जाते हैं, और जैसे ही आप पेट्रोल टैप को ऑन करते हैं, तो वो कार्बोरेटर के अंदर चले जाते हैं, जिसके चलते ओवरफ्लो होने की दिक्कत रहती है। तो आपने क्या करना है, देखिए जो पेट्रोल पाइप है, आपने इसको बीच में से कट करके जो एक फिल्टर आता है, पेट्रोल फिल्टर, आपने इन दोनों के बीच में लगा देना है, क्योंकि उसके अंदर एक छोटा सा चुंबक लगा होता है, मैग्नेट लगा होता है, और जो लोहे के कण ऊपर से आते हैं जंग के, वो उस पर चिपक जाते हैं, और जब आपको ये लगे कि वो कुछ भर गया है, तो आप उसको खोलकर दोबारा साफ़ कर सकते हैं। और ये भी दोस्तों एक तरीका होता है आपकी बाइक को बार बार ओवरफ्लो होने से बचाने का। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से जो है हम इसकी ओवरफ्लो को बंद कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो दोस्तों देखिए, ये तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो हमको पता है कि हम आपको उसी तरह से आपको गाइड करते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि हम जो कुछ भी काम करते हैं वो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, साथ में दोस्तों आपको ये बोलकर भी बताते हैं कि जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी, और आपको अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और दोस्तों चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आगे दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।